अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक और हदीस है कि हम शुरू करते हैं। यह हदीस है, हर बला और मकर से महफूज, हर मुसीबत से परेशान रहने का तरीका। ये सूरह तौबा की लास्ट वर्स है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम सुबह और शाम इसको 7 दफ़ा पढ़ लें तो अल्लाह ताला हमें हर परेशानी से बचाता है। वो आयत क्या है? सूरह तौबा की लास्ट वर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 7 दफ़ा फरमाया और हम इसे 10-10 बार दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कल तु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कल तु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कल तु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सैयदना, हमारे लीडर, उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अहादीस इसलिए हैं ताकि हम उन पर वैसे ही अमल करें जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो इसलिए 7 दफ़ा पढ़ना, 7 टाइम्स पढ़ना तो आसान होगा, तो 7 टाइम्स पढ़ना कभी भी ना भूलें। सुबह फजर के बाद और असर के बाद 7 टाइम्स ज़रूर पढ़ें। सूरह तौबा की आखिरी आयत है, ये आखिरी वर्स है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।